हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एक नए वीडियो में। साथियों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक तो तीनों ग्राउंड की रिपोर्ट देना चाहूँगा, साथ में आज जो ये पीछे फिजिकल हुए हैं इनके अंदर पहला बैच है वो उसकी टाइमिंग बदल चुकी है साथियों कुछ कुछ जगह पर, और साथ में वैकेंसी इंक्रीज होंगी या नहीं होंगी, ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में या फिर कट ऑफ के बारे में मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करूंगा। आप सभी के डाउट्स हैं वो मैं इसके लिए क्लियर कर दूंगा। ओके, अभी आपको क्या करना है, वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहना है, पॉइंट द पॉइंट हम चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को ग्राउंड के बारे में इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ साथियों, और वो ये है कि कुछ साथियों ने यहाँ पर बताया है कि सर जो पहला बैच है वो यहाँ पर 6 बजे के समथिंग अब बनने लगा है। ठीक है, पहले क्या होता था आप सभी ने देखा था कि जो पहला बैच है वो स्टार्टिंग के जब यहाँ 28 या 29 जून को जो फिजिकल हुए थे ना, तब यहाँ पर आप देख रहे थे कि जो पहला बैच है ना वो 9 बजे के समथिंग यहाँ पर बन रहा था। ठीक है, 9 बजे के समथिंग, और जो लास्ट बैच है वो 11 बजे तक चल रहा था। लेकिन यहाँ पर अब टाइमिंग चेंज होकर यहाँ पर पहले 7 बजे हुई थी, अब यहाँ पर 6 बजे भी बैच बनने लगे हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर 6 बजे आप मॉर्निंग के अंदर जिसका भी रूटीन है, जो भी सभी पता है आप सभी को कि जितने भी कैंडिडेट ने यहाँ पर तैयारी की है तो वो मॉर्निंग के अंदर अर्ली मॉर्निंग की होगी या फिर इवनिंग के अंदर उन्होंने की होगी, तो जो आप सभी साथी जो भी तैयारी की थी ना आपने उसी टाइमिंग के ऊपर आपका बैच जो वो पहला स्टार्ट होने लग गया है, यानी कि आपके लिए खुशखबरी है। ओके, और यहाँ पर ये एनपीएल ग्राउंड की खबर जो है वो निकल कर आ रही है साथियों, एनपीएल ग्राउंड का मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यही बता रहा हूँ। ओके, उसके बाद में जो आपकी टाइमिंग है वो आपको पता ही है, लास्ट बैच जो वो 9 बजे के समथिंग यहाँ पर दौड़ा दिया जाता है, उसके बाद में कोई बैच नहीं बनने क्योंकि बच्चे एबसेंट भी चल रहे हैं साथ में, और साथ में जो रेस के अंदर क्वालिफाई हो जाते हैं ना, जैसे रेस का पहला बैच छोड़ दिया जाता है, जैसे उनकी रेस होती है तो दूसरा बैच तैयार कर दिया जाता है, लेकिन जो रेस जो होती है उसके बीच में लॉन्ग जंप के बीच में यहां पर आपको क्या हो जाता है कि 30 से 45 मिनट तक का टाइम मिल जाता है, 30 से 45 मिनट का टाइम मिलता है, फिर आपका लॉन्ग जंप होता है, उसके बाद में जो आपका हाई जंप होता है। ठीक है, हाई जंप होता है, इनके अंदर कोई टाइमिंग नहीं है, जैसे जैसे लॉन्ग जंप होता है वो कैंडिडेट हाई जंप के लिए आगे चला जाता है, उनके अंदर हो जाता है। उसके बाद में आपको कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है जिनका अभी तक नहीं हुआ, वो उस पॉइंट के ऊपर भी हम जिक्र करेंगे, तो आपको क्या करना है पेशेंस के साथ में वीडियो के अंदर बने रहना है। साथ में इन ग्राउंड्स की इन्फॉर्मेशन दे दूँ साथियों, इन ग्राउंड्स का जो अभी जो मैदान है ना, मैदान बहुत अच्छा हो चुका है, मैदान की तरफ से कोई भी इशू नहीं आ रहा है। कुछ कैंडिडेट पूछ रहे थे कि सर जूते के अंदर दौड़ सकते हैं या फिर नंगे पैर दौड़ सकते हैं क्या, तो आप जैसे भी चाहो ना, आप जैसे भी चाहो रेस कर सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर है, वहां ऐसे कोई भी यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप सिर्फ जूतों में दौड़ो या फिर आप नंगे पैर ही दौड़ो, ऐसा कुछ भी नहीं है वहां पर। ओके, ऐसी कोई भी आपको कंडीशन नहीं दी जाएगी। अभी आपको करना क्या, पहले धूप के अंदर होता था लेकिन यहाँ पर आप सभी को पता 9 बजे तक इतनी मिट्टी गर्म नहीं होती है, तो मैं तो आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा कि आप नंगे पैर दौड़ोगे तो आपका टाइमिंग भी अच्छा आएगा, मिट्टी होगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ में जो कैंडिडेट लॉन्ग जंप जिनसे नहीं हो रहा ना, वो भी अपना प्लीज़ एक बार नंगे पैर यहाँ पर क्या करना है, आपको लॉन्ग जंप एक बार करके देखना है। इससे क्या होता है कि आपका जो पंजा है ना, वो जब मिट्टी के अंदर यहाँ पर फोर्स जो लगता है ना, उसके कारण यहाँ पर फिसलन नहीं होती बिल्कुल भी। और लॉन्ग जंप के अंदर क्या होता है कि जितनी ज़्यादा हो सकती है ना आपकी, उतनी स्पीड होनी चाहिए रेस की। यहाँ पर सारा काम यहाँ पर 30 से लेकर 50 मीटर का सारा ही काम होता है, क्योंकि इसके अंदर ही आपको दौड़ कर यहाँ पर लॉन्ग जंप क्वालिफाई करना होता है। ओके, अगर लॉन्ग जंप से रिलेटेड किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो मैंने वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया है, आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा वो। साथ में कुछ कैंडिडेट कह रहे थे कि सर हमें बॉडी पेन हो रहा है, बॉडी के अंदर कहीं भी पेन हो रहा है तो हमें कोई रास्ता बता दीजिए। देखिए, उन साथियों को मैं कहना चाहूंगा, मैंने 2 वीडियो डाले हुए हैं पहले से। ठीक है, एक तो 20 जून का आपका वीडियो मिल जाएगा, आपको 20 जून का आप देख सकते हो, वो वीडियो मिल जाएगा, उसके अंदर मैंने आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाया हुआ है क्या क्या आपको करना है, नेचुरल तरीके से आप वो कर सकते हैं, आपका पेन जो वो गायब हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं देखने को मिलेगी। उसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, वो साथियों ये कि ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड बहुत ज्यादा इशू आ रहे हैं और वैकेंसी इंक्रीज होने से रिलेटेड। जो भी साथी आप कमेंट करते हो ना, मैं मोस्टली उन्हीं के ऊपर जवाब देता हूँ, ताकि आपके जो अभी डाउट बने हुए ना, मेन पॉइंट वो है कि आपके डाउट क्लियर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि डाउट के साथ आप ग्राउंड में उतरते हो तो आप सभी को मन में वही रहता है कि हमारे पता नहीं क्या होगा। अब ड्राइविंग लाइसेंस का बता दूं तो लर्निंग लाइसेंस जो ना, लर्निंग लाइसेंस का मैंने साथियों से पूछा तो सर वो बता रहे हैं कि लर्निंग लाइसेंस नहीं चल रहा है। उसके बाद में बाइक अकेली का लाइसेंस है, ठीक है, ये 3 ही तो लाइसेंस होते हैं, बाइक अकेले का लाइसेंस है वो चल रहा है। फिर यहाँ पर पूछ रहे हैं कि सर LMV, जो LMV है वो तो मांग ही रखा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो तो 100% चला जाएगा, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जो लर्निंग लाइसेंस है या फिर किसी का ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है, अब कह रहे हैं कैंडिडेट कि हमारा ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है, तो आप ऐसा करो, आप RTO ऑफिस के अंदर जाओ, RTO ऑफिस के अंदर आप जैसे बात करोगे वहाँ से आपको ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में कुछ ना कुछ ऐसे मतलब यहाँ पर ऑथेंटिक यहाँ पर नॉलेज दिया जाएगा आपको, कि आप जो हो या तो फिर ई मित्रा से आप निकलवा सकते हो वो,
यानी कि हार्ड कॉपी उसकी निकलवा सकते हो, उससे क्या हो जाता है कि सेम ऐसा ही मिल जाएगा जैसे आपको आर टी ओ ऑफिस से आता है। तो आप इसी तरह से संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो उसके अंदर यहाँ पर एक सजेशन है आपके लिए, बाकी देखिए 100% होगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपके लिए एक सजेशन दे सकता हूँ ताकि आप सभी साथी अगर कोशिश करें तो मिल सकता है आपको, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, एक कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ आप ड्राइविंग लाइसेंस की वजह से आपकी इतनी मेहनत और इतने दिनों तक आपने तैयारी करके एग्जाम क्लियर किया, उसके बाद में फिजिकली यहाँ पर आप आ गए हो इतने दिनों तक तैयारी करते करते, तो आप एक ड्राइविंग लाइसेंस की वजह से बाहर नहीं होने चाहिए, मेरा तो मानना यही है। ओके, यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर है। इसके बाद में कुछ कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे कि सर वैकेंसी जो हो वो इंक्रीज हो सकती हैं क्या। देखिए साथियों, आपने जहाँ से भी देखा मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल के लिए मैं बता दूं आपको कि फिलहाल के लिए ऐसा कोई भी ना तो ऑथेंटिक यहाँ पर नोटिफिकेशन है, ना ही हमारे पास में ऐसी कोई खबर है कि जिससे आप हमको आपको कुछ भी आपको श्योरिटी दे सके। 1% भी यहाँ पर कोई भी खबर नहीं है, तो मैं आपको बिल्कुल भी गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं प्रोवाइड करवा सकता, क्योंकि जो भी कैंडिडेट इसे खबर कोई कहीं से भी सुन के है ना, मैं उनको कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप वैकेंसीज के ऊपर अभी ध्यान मत दीजिए कि इंक्रीज होंगे या नहीं, जितने हैं ना उनके अंदर जो भी प्रोसेस है ना, आप पहले तो उसको क्वालिफाई कीजिए, पूरा फोकस आपका उसके ऊपर होना चाहिए कि मुझे कौन से पॉइंट के ऊपर ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। ओके, इज दैट क्लियर। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं, क्योंकि कुछ साथी यहां पर ये बोल रहे थे कमेंट के अंदर आके, मैंने पहले भी कहा कि प्लीज जो भी आप कमेंट करते हो वो दूसरे साथियों को ध्यान में रख के क्या करो, जिनका फिजिकल अभी नहीं हुआ ना वो डिमोटिवेट हो सकते हैं आपके किसी भी कमेंट से, तो आप उनका ध्यान में रखा करो कि आपको मतलब किस हिसाब से बोलना चाहिए, ताकि आपको अगले जो आपके भाई बहन अभी बचे हुए हैं उनको कोई भी यहां पर डिमोटिवेशन का सामना ना करना पड़े। मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि आप या तो मेरे कमेंट की रिप्लाई के ऊपर ही ध्यान दिया करो, या फिर कुछ कैंडिडेट अच्छा जो आपको नॉलेज देते हैं जिनका खुद का एक्सपीरियंस हो जाता है उनके कमेंट पर ही ध्यान दिया करो, बाकी यहाँ पर आपको कुछ भी फेंक के चले जाते हैं उनके कमेंट पर मत देखा करो, ताकि आपको यहाँ पर कोई भी डिमोटिवेशन ना मिले। मैं यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा कि कट ऑफ 8 से 10 मार्क्स बढ़ेगी क्या। आप लोग इस पॉइंट को यहीं पर क्लियर कर लो, जिनका भी अभी 2 से 3 दिन के अंदर फिजिकल हुआ है, वो शेखावाटी वाले बंदों का था, वो आप मानते हैं कि उनके अंदर रेस करने की एबिलिटी अलग ही होती है, तो उन्होंने रेस कर दी, उससे क्या हो गया, एक दिन का आंकड़ा जो आपका 20% का चल रहा था वो आंकड़ा बढ़कर 30% हो गया होगा, ठीक है 35% हो गया होगा, इससे ज़्यादा कहाँ जाएगा। लेकिन क्या आप एक चीज़ सोचो कि जो आपका फिजिकल यहाँ पर 30 दिन चल रहा है, उस फिजिकल के अंदर 2 से 3 दिन के अंदर मेरिट इतनी बढ़ जाएगी क्या, कि 2 से 3 दिन के अंदर अगर यहां पर 100% भी आंकड़ा रह जाए ना, तो भी मेरिट के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। साथियों, इस चीज को ध्यान में रखा करो। आप ये चीज सोचो कि क्या इन्होंने जो भी फिजिकल दिया है, क्या सभी के सभी 80% से ऊपर वाले हैं क्या, जिनके 80% मार्क्स हैं, इतने ही हैं क्या, उनमें से आपके जैसे नहीं है क्या कि जिनके मतलब यहाँ पर कट ऑफ जितनी छुट्टी है उससे एक या फिर 2 नंबर ही ज़्यादा हो। तो आप इस चीज़ को सोचा करो, थोड़ा सा आप पढ़े लिखे हो, आप किसी की बातों में मत आया करो कि यहाँ पर 8 से 10% बढ़ जाएगी या फिर 10 से 12% बढ़ जाएगी, ऐसे कुछ भी यहाँ पर कट ऑफ नहीं जाने वाली है। जो भी कट ऑफ थी उसके ऊपर 1 या फिर 2% का ही असर पड़ता है 1 से 2 दिन के अंदर, इस चीज़ को ध्यान में रख लेना। अब HR वाले कैंडिडेट आएंगे, फिर किसी अदर स्टेट वाले कैंडिडेट आएंगे, आप सभी को पता है कि जहाँ पर भी आर्मी की तैयारी, मैं बता चुका हूँ बार बार में ये पॉइंट, कि जहाँ पर भी आर्मी की तैयारी ज़्यादा करने वाले होते हैं ना, उनके लिए रेस और फिजिकल जो ये मेजरमेंट दिल्ली पुलिस के अंदर मांग रखा है ये कुछ भी नहीं उनके लिए, उनको तो आर्मी से भी अगर कम दे दोगे ना तो वो उसके लिए भी तैयार होकर आ जाएंगे, क्योंकि इनकी बॉडी इस तरीके से काम करने लग गई है, अब वो ऑलरेडी इतनी कम टाइमिंग की तैयारी करे बैठे हैं, वो 5 मिनट की तैयारी के टाइमिंग करे बैठे हैं, वो 4 मिनट 50 सेकंड की तैयारी के टाइमिंग किए बैठे हैं, तो आप ये सोच के चलिए कि उनके लिए क्या हार्ड होगा, आप बताइए 6 मिनट क्या हार्ड उनके लिए, वो तो ऐसे ही उठ के चले जाएंगे तो भी करके आ जाएंगे। तो आप इन चीज़ों के ऊपर ध्यान मत दो, आपकी जो मेरिट जो कट ऑफ जाएगी वो आपको फिजिकल जैसे कंप्लीट होते हैं ना वो आपको अच्छी तरीके से बता दी जाएगी, यहां पर लास्टली जो फाइनल जो एवरेज जो इफेक्ट पड़ेगा ना वो क्या रहेगा। तो आप सभी डिमोटिवेट ना हो, आप सभी अच्छी तरीके से फिजिकल की तैयारी पर ध्यान दीजिए। अब मैं जिनका नहीं हुआ ना उन साथियों के लिए यहां पर कुछ यहां पर स्पेशल पॉइंट लेकर आए, प्लीज उनको ध्यान से सुन लेना। देखिए आप सभी ने देखा होगा कि 28 जून से आपके फिजिकल स्टार्ट हो, देखिए पेशेंस के साथ में बने रहिए, आपके लिए कुछ नॉलेज यहां पर देने वाला हूं। 28 जून से फिजिकल स्टार्ट हुए, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट किस में निकले, रेस में। 28 जून से यहाँ पर लगभग 2 जुलाई तक यहाँ पर मैं मान सकता हूँ 2 जुलाई तक यहाँ पर रेस के अंदर सबसे बड़ा इशू बना हुआ था। ओके, उसके बाद में यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं रेस। रेस के बाद में यहाँ पर आपने देखा होगा धीरे धीरे 2 से 3 दिन तक यहाँ पर कौन सा इशू बना, 2 से 3 दिन के अंदर यहाँ पर इशू बना लॉन्ग जंप का, लॉन्ग जंप का इशू बना। अब क्या हुआ, रेस के अंदर अच्छी तरीके से क्वालिफाई होने लग गए, लॉन्ग जंप के ऊपर कैंडिडेट अच्छी तरीके से ध्यान देने लगे, लेकिन अब यहाँ पर 1 से 2 दिन से देखने लग रहे हैं कि यहाँ पर हाइट सबसे ज़्यादा इशू बना हुआ है। ठीक है, हाइट सबसे बड़ा इशू बना हुआ है। तो अब क्या करना है आप सभी को, मैं आपको बता देता हूँ, रेस फिर लॉन्ग जंप फिर हाइट आपकी आ गई है, तो आप सभी के साथ में क्यों हो रहा है आपको पता है, आपकी जितनी भी वैकेंसी थी ना, जितनी भी आपकी वैकेंसी थी दिल्ली पुलिस की, यहाँ पर वो कंप्लीट हो चुकी हैं क्या, क्या कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर जितने भी उनको कैंडिडेट चाहिए था ना वो कंप्लीट हो चुके हैं,
जितने भी कैंडिडेट चाहिए थे उनके जिनके भी फिजिकल अभी तक हो चुके हैं ना वो कंप्लीट हो चुके हैं, उनके पास में जितनी उनके पास में रिक्वायरमेंट थी। ध्यान में आ रहा है इसी चीज़ को, आप इस अच्छे से सोचिए इस चीज़ को। तो अभी क्या होगा, अभी आपने देखा होगा कि दिन ब दिन यहाँ पर रूटीन बदलता जा रहा है, तो अब जिनका भी फिजिकल है उनको क्या करना है, मेन पॉइंट ये है आपका। तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिनका फिजिकल नहीं हुआ ना वो अपनी रेस के ऊपर, लॉन्ग जंप पर, हाइट पर, हाई जंप पर, ठीक है, हाई जंप पर, इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दे देना। देखिए हाइट का तो कोई नहीं, हाइट तो कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 2-3 सेंटीमीटर बढ़ा के चला गया क्योंकि उसने मेहनत की थी, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। हाइट जितनी हो चुकी उतनी हो सकती है, पॉइंट के अंदर आपका बढ़ जाए तो बढ़ जाए, लेकिन वो भी बढ़ना होता तो अब तक बढ़ जाता। ऐसा कुछ भी नहीं कि हाइट आपको 1-2 दिन के अंदर बढ़ा सकते हो, कुछ ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है आपके पास में। लेकिन क्या आप बढ़ा सकते हो, आप रेस बढ़ा सकते हो, आप लॉन्ग जंप बढ़ा सकते हो, आप हाई जंप बढ़ा सकते हो, ठीक है, जो भी मेजरमेंट, अदर मेजरमेंट जो है हाइट को छोड़कर, वो आप चेस्ट बढ़ा सकते हो। देखिए आपको मैं अभी बता के छोड़ देता हूँ कि 2-3 दिन और रुक जाओ, आप सभी को चेस्ट के अंदर भी इशू आने लग जाएगा, देख लेना, चाहे मैं आज वीडियो आप ध्यान में रख लेना, मैं बता रहा हूँ कि आपका 2-3 दिन के अंदर आप चेस्ट के अंदर भी देखने लग जाओगे कि चेस्ट के अंदर भी पॉइंटों की आपको छूट नहीं मिल रही है। अब कुछ कैंडिडेट कह रहे थे कि हमारी सर, आपने स्टार्टिंग के दिनों में देखा होगा, मैंने भी आपको बताया था, कुछ कैंडिडेट भी यहाँ पर लाइव आकर बता रहे थे कि 1 से 1 सेंटीमीटर या फिर आपके 0.5 सेंटीमीटर तक आपको आपको छूट मिल जाती है, कोई भी इशू नहीं हो रहा है, आप सभी ने सुना होगा ये चीज़ तो। लेकिन यहाँ पर अब क्या देख रहे हो, हाइट के अंदर आपकी अगर 0.1% है ना तो वो भी आपके लिए यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, आपको बाहर निकाल दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। अभी आप देखना ऐसे ही आपके साथ में चेस्ट में होगा, तो मैं जो भी साथी अभी तक नहीं हुआ उन सभी को कहना चाहूँगा प्लीज़ अपनी चेस्ट के ऊपर आप मेनली ध्यान दे दीजिए, कि ऐसा नहीं है कि आपकी कम होगी तो चल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा भाई, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये इशू आपको 1-2 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट थी वैकेंसीज़ की वो कैंडिडेट उनके पास में ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं, तो जो भी आप मेजरमेंट है ना उसको पूरी सख्ताई के साथ में आपके लिए जाएंगे। तो जो भी तरीके अच्छी तरीके से सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं साथी, उन सभी साथियों को कहना चाहूँगा कि फिजिकल के जो भी मेजरमेंट मांग रखा ना, जो भी नोटिफिकेशन के अंदर मेजरमेंट है ना, उनको पूरी तरीके से आपको कंप्लीट करना ही होगा, इसके अंदर कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी। आप सभी के लिए मैं पहले बता के जा रहा हूँ ताकि आपको बाद में इशू का सामना न करना पड़े। आज के वीडियो इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जो आपका एवरेज यहां पर 35% रह रहा था ना, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, यहां पर अभी 30% के लमसम यहां पर आपका चल रहा है, तो कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत है। यहां पर जो आपका एवरेज जो आंकड़ा आएगा ना, वही मैंने आपको बता दिया था कि 20-25% के बीच में जो आपका लास्ट वाले दिन तक होगा ना, वो 20-25% के बीच में आपका एवरेज फिजिकल का आंकड़ा रह जाएगा। आप देख लेना, मैंने पहले के वीडियोज में बताया है, अब भी बता के जा रहा हूं और आगे भी बताता रहूंगा, मैं अपनी बातों से नहीं मुकरता हूं। ओके, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको किसी भी पॉइंट से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जवाब भी देता हूं। और नेक्स्ट डे आपके अगर डाउट कुछ ज़्यादा ही होते हैं तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर भी आपको समझा देता हूं, ताकि आपके पॉइंट जो वो वहाँ पर क्लियर हो जाएं। आप सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए अपना, जो भी पॉइंट के ऊपर कोई इशू है तो आप बता सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बेस्ट ऑफ लक सभी को, धन्यवाद।